तो हाँ यार, कैसे उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे। आप लोग की लाइफ में नंबर वन की चल रही होगी। देखो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई मूवी के बारे में जिसका आज हिंदी डब प्रीमियर हुआ है और उसी के करेंगे रिव्यू, जिसका नाम होने वाला है मोनेस्टर, और इसी के करेंगे रिव्यू पर हाँ इस इंटरव्यू के बाद। तो अगर आपको पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में बता दें तो उसमें देखने को मिलने वाले हैं मोहनलाल प्लस कुछ और भी अच्छे एक्टर मलयालम सिनेमा की तरफ से। फिर बात निकल के आती है इसकी पूरी कहानी क्या है। तो स्टोरी यार फोकस करती है एक लकी सिंह कैरेक्टर के अराउंड में, और वो एक जो कि यार केरला आया हुआ है एक काम से, और वो एक फैमिली से मिलता है। उसके बाद उस फैमिली की लाइफ किस तरीके से बदल जाती है और आने वाले टाइम में स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलेगा, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना होगा पूरे मूवी को। पर अगर आप ये बात सुन के देखने प्लान कर रहे हो, जाने के बारे में सोच रहे हो, 2 मिनट पहले वीडियो में रुक जाओ, पहले सुनो स्टोरी कैसे लगने वाली है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, एक्टिंग कैसे देखने को मिलेगी, प्लस पूरी की पूरी मूवी कैसी है। तो अगर पहले बात कर ले इसकी कहानी से ही, तो देखो जो इसकी पूरी कहानी थी अगर उसको एक शब्द में बोलना हो मुझे तो हाँ यार ठीक ठाक है, पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब यार एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पर आगे चल के आप मूवी से बहुत ज़्यादा निराश भी होते हो, और उसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में फिल्म की कहानी को जिस तरीके से रखा गया, जिस तरीके से सेट किया गया, वो चीज़ तो आपको लाजवाब लगेगी, पर उसको जिस तरीके से एंड किया गया जो पूरा सेकंड हाफ है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करता है, वहाँ पे ऑडियंस बोर भी होती है। हाँ अगर बात करें स्क्रीन प्ले के बारे में तो फर्स्ट हाफ यार अच्छा था, वहाँ पर जिस तरीके से सारे कैरेक्टर रखा गया था, चाहे वो फैमिली हो या फिर मोहनलाल वाला कैरेक्टर हो, हर तरीके से मूवी यार अच्छी लगती है। वहाँ पर आप लगभग यार कनेक्ट हो जाते हो कैरेक्टर से, और जो इंटरवल वाला सीन भी निकल के आता है वो भी लगभग यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, उससे यार सेकेंड हाफ में उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पर जिस तरीके से सेकेंड हाफ में मूवी यार टर्न करती है, जो चीज़ें देखने को मिलती है वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं लगती है, क्लाइमैक्स भी यार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, और वहाँ पे मूवी यार मतलब ओके ओके लगती है, डिसेंट लगता है पूरा सेकंड हाफ हमें, और इसी वजह से मूवी हमें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। लास्ट तक कहते थे यार ऑडियंस बोर होने लगती है, ये कंडीशन है मूवी के साथ में, और अगर आप सेकंड हाफ देखोगे तो आप खुद मूवी को स्किप करोगे, जाके एक बार देखो वहाँ पे आप स्किप करने ही वाले हो मूवी को, वहाँ पे यार मूवी को कई पार्ट पे आप स्किप करने वाले हो। वही अगर बात करना हो इसके बीजीएम के बारे में तो मूवी का बीजीएम यार डिसेंट है, प्रोडक्शन वैल्यू वाइज यार मूवी ठीक है, अच्छी लगती है। अगर बात करना हो एक्टिंग के बारे में तो मोहनलाल का काम अच्छा है, काफ़ी जगह वो मूवी को खुद ही अपने कंधे पर चलाते हैं, पर उनसे अलग जो और एक्टर और एक्ट्रेस थे उनका काम भी यार ओके ओके लगता है, डिसेंट है, सभी ने अपने काम को ठीक ठाक किया है अपने कैरेक्टर के हिसाब से। तो अगर ओवरऑल अगर बोलना हो इस पूरे फिल्म के बारे में और हिंदी डबिंग के बारे में तो हिंदी डबिंग यार लगभग अच्छी लगी, पसंद आई, पर अगर ओवरऑल बोलना हो तो यार आज तो वैसे भी बहुत सारी मूवीज निकल के आई हैं, तो अगर उन सबको देख लिया हो तो एक बार जाकर देख सकते हो, बाकी अगर आपको हिंदी डब मूवी देखना ही देखना होता है तब जाके देख सकते हो। मूवी की कहानी यार बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बोर करती है आपको, सेकेंड हाफ में आप काफ़ी जगह स्किप करते हो और ठीक ठाक खत्म होता है, मतलब देख के बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आने वाली है, पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हो जाके देख सकते हो, एक बार ट्राई मार सकते हो। पर इससे अलग यार बहुत सारी फिलहाल मूवी आई पड़ी है नई नई, उनको जाके देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको देखोगे थोड़ा बहुत बोर होगे और बस इतना ही। बाकी अगर आप मोहनलाल सर के फैन हो तो जाके देख सकते हो उनके लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो साथ में, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो साथ में। बाकी मेरे हिसाब से मूवी यार डिसेंट है, ठीक ठाक है, काम चला हुआ है, बस इतना ही बोलेंगे, कुछ नया देखने को नहीं मिला मुझे, कुछ अलग हट के देखने को नहीं मिला, ये मेरा ओपिनियन है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो साथ में।